संविधान के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान की हस्तलिखित अर्थात हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखित प्रतिलिपि भी मौजूद है। इसमें संविधान के सभी 22 भागों की शुरुआत एक चित्र से होती है। इस हस्तलिखित और चित्रों से सुसज्जित संविधान की कॉपी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और हर भाग पर मौजूद चित्र उसकी पूरी कहानी बयां करता है। नंदलाल बोस द्वारा संविधान में अंकित किए गए इन चित्रों से आप आसानी से संविधान की भावना को समझ सकते हैं। इन चित्रों की महत्ता को पहली बार प्रकाश में लाने का काम किया है लक्ष्मी नारायण भाला जी ने, जिन्होंने इन चित्रों पर एक पुस्तक हमारा संविधान भाव व लेखांकन के नाम से प्रकाशित की है। इसमें नंदलाल बोस जी द्वारा बनाए गए चित्रों के भाव के जरिए संविधान के प्रत्येक भाग को समझाया गया है। संविधान के पहले भाग में मोहनजोदड़ो का चित्र अंकित है। गौरतलब है कि मोहनजोदड़ो 4500 वर्ष पूर्व अखंड भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी। अब ये इलाका पाकिस्तान में चला गया है। संविधान का पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऐसे में मोहनजोदड़ो की शक्ति संपन्नता और कर्मठता के प्रतीक तथा महादेव शिव के वाहन नंदी को मुहर के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी मुहर को संविधान के प्रथम भाग के शीर्ष पर अंकित किया गया है। आइए इस तस्वीर के भाव को लक्ष्मी नारायण भाला के माध्यम से समझते हैं। भाग एक का जो चित्र अंकित किया गया है सबसे ऊपर, वो है मोहनजोदारो का प्रतीक चिन्ह। मोहनजोदारो आज का जिस भारत में हम रहते हैं, खंडित भारत में, वहां नहीं है, ये आज के पाकिस्तान में है। तो भारत का संविधान लिखा जा रहा है, भारत का संविधान का पहला ये जो है चैप्टर, पहला भाग, उसका प्रतीक चिन्ह खोजा जा रहा है। तो नंदलाल बोस के नजरों में यही था कि अखंड भारत का ही हम चिंतन करते हैं, और इसलिए उस समय की जो श्रेष्ठ संस्कृति थी मोहनजोदड़ो, उसका प्रतीक चिन्ह ले लिया जाए, और उस प्रतीक चिन्ह को भाग एक पर अंकित किया गया है। भाग एक का विषय भी राज्य की सीमाएं और राज्य की सीमाओं के आधार पर पूरे देश का चित्रण, ये उस भाग में आता है, उसका विस्तार और उसकी सीमाएं। तो निश्चित रूप से नंदलाल बोस के मन में श्री अरविंद का वह कथन निश्चित रूप से काम कर रहा होगा, जिसमें श्री अरविंद ने कहा था कि विभाजन ये तो एक अस्थाई दौर है, भारत को अगर श्रेष्ठ बनना है तो अविभाजित रहकर अखंड रहकर ही ये श्रेष्ठ बन पाएगा, और यही इसकी नियति है। और इसलिए श्री अरविंद के उसी कथन के अनुसार नंदलाल बोस ने भी यही सोचकर भाग एक का प्रतीक चिन्ह जो है वो मोहनजोदड़ो का प्रतीक चिन्ह ये चयनित किया। तो आप संविधान के पहले भाग में अंकित चित्र मोहनजोदड़ो के चित्र की महत्ता को समझ ही गए होंगे, साथ ही ये तस्वीर किस प्रकार हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अगले भाग में हम बात करेंगे भाग दो की, जिसमें गुरुकुल की परंपरा को चित्र के माध्यम से अंकित किया गया है।